क्या आपको गुरुदेव सुरेश माली जी से मिलने का समय चाहिए? क्या आप वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं? या फिर सुरेश माली जी से फोन पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं? साथ ही श्रीमाली जी की यात्राओं एवं उनके प्रवास की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तथा गुरुदेव द्वारा बताई गई सभी तरह की साधनाओं तथा पूजन सामग्रियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र, हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान। फोन नंबर 5190002432625 9829026625। जन्म कुंडली विश्लेषण। आमतौर पर देखा जाए तो 25 से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति जवान होता है, युवा होता है और ऐसी अवस्था में कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। अपनी सारी खुशियों को पूरा कर देने के लिए वो बड़ी मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है और इच्छाएं जो है वो असीम होती है और उसे पाने के लिए वो सब कुछ करता है। 40-45 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे जो है बुढ़ापा नजदीक आता है, उम्र ढलने लगती है। इंसान के मन में ये बात बैठ जाती है कि अब मुझे अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचना, अपने बच्चों के बारे में सोचना है। और इसके साथ साथ वो कुछ और समय व्यतीत होने के बाद दिन गिनने लगता है कि अब बस मौत आ जाए। मैंने अपनी जिंदगी में काफी सुख सुविधाएं देखी है, कष्ट परेशानियां देखी है और उस वक्त वो धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाता है। उसे बहुत सारे लोग जो समय रहते ही उपचार करते हैं, समय रहते योग प्राणायाम एक्सरसाइज करते हैं, तरह तरह की विधियों का पालन करते हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण करके अपने रोग की निवृत्ति के उपाय करते हैं। लेकिन एक बच्चा जो मात्र 30 साल की उम्र में ही जिसकी दोनों किडनी फेल हो जाए, सोचिए उसकी जिंदगी किस प्रकार रहेगी। तो देखिए, बनारस का रहने वाला ये लड़का जिसने लैंप पोस्ट के नीचे, पहले जमाने में तो हम सुनते थे कि घर में घर छोटे हुआ करते थे, बिजली नहीं होती थी, बच्चे बाहर जाकर सड़क पर पढ़ाई करते थे, ऐसी अवस्था में इस बच्चे ने भी वही मेहनत करके लैंप पोस्ट के नीचे जो सड़क पर लाइट लगती है उसके नीचे बैठकर इसने पढ़ाई लिखाई की, कुछ चंदा मांगा, कुछ स्कॉलरशिप, कुछ टीचर ने पैसे देकर ये बच्चा इंजीनियर बन गया सरकारी स्कूल से, सरकारी कॉलेज से। अब देखिए, इंजीनियर बनने के बाद इसकी बनारस में ही इसकी नौकरी लगी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हमेशा एक टेंशन और डिप्रेशन में रहता था। टेंशन की वजह से इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाए तो तरह तरह की तकलीफें शुरू हो जाती हैं। किडनी तक फेल हो जाती है, जो कि इस बच्चे की हो चुकी है। इसको किस प्रकार की टेंशन थी कि माँ बाप परेशान, दुखी, घर में दो वक्त की रोटी नहीं थी। तो वो चाहता था, एक जज्बा और जुनून था कि मैंने जिस तरीके से पढ़ाई की है और एक टाइम खाना खाऊंगा और अपनी जिंदगी में इतना पैसा बचाऊंगा कि मेरे माँ बाप को मैं खुशियां दे सकूं। दुनिया भर के लोग बनारस के घाट पर आते हैं और पूजा अर्चनाएं करते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के, तरह तरह की साधनाएं तपस्याएं करते हैं, पितृदोष की शांति पूजा अर्चना भी करते हैं। इससे वही बचपन से देखा है, इसे कहा जब इतने दूर दूर से लोग अपने माँ बाप को लेकर आते हैं यात्राएं कराने के लिए, मैं भी अपने माँ बाप को यात्रा कराने के लिए लेकर जाऊंगा। लेकिन पैसे के अभाव के कारण और दो छोटी बहनों के कारण, इच्छा थी कि बहनों की अच्छी पढ़ाई लिखाई कराऊं, उनकी शादी अच्छी जगह पर हो, घर का पक्का मकान हो, माँ बाप को यात्राएं करवाऊं। ऐसी अवस्था में दिन रात मेहनत करके भोजन पर ध्यान नहीं दिया, अपनी जीवन शैली पर ध्यान नहीं दिया, अपनी खुशियों को तो भूल ही गया। लेकिन इस टेंशन और डिप्रेशन के वशीभूत इस बच्चे की दोनों किडनियां फेल हो गई, पता ही नहीं पड़ा, डॉक्टर के पास गया ही नहीं कि डॉक्टर के पास जाऊंगा, पता नहीं कौन सी बीमारी बता देंगे। इस अवस्था में कई ऐसे लोग हैं जो इस मात्र टेंशन में रहते हैं कि हम डॉक्टर को नहीं दिखाने जाएंगे, डॉक्टर दिखाया कहीं किसी ने कोई तकलीफ बता दी तो, अरे तकलीफ बता दी तो उसका इलाज हो जाएगा, नहीं तो आपको कोई समाधान नहीं जाने से तो नहीं होगा ना। ऐसे बहुत सारी महिलाएं आती हैं, मैं अपने पति को रोज कहती हूँ डॉक्टर के पास चलो, तुम चेकअप कराओ, तुम्हारा मोटापा बढ़ रहा है, तुम्हें तरह तरह की तकलीफ है, रात को नींद नहीं आती है, तुम्हें शराब पीनी पड़ती है, गोलियां लेनी पड़ती तब जाकर तुम्हें नींद आती है। जबकि अगर हम समय रहते उपचार करें तो हम तरह तरह की तकलीफों से निजात पा सकते हैं। इस बच्चे ने मना किया था कि जन्म कुंडली मुझे किसी को नहीं भेजनी, पता नहीं पंडित जी क्या बता देंगे। लेकिन छुप छुप कर इनकी मां मेरा कार्यक्रम देखती है और उनका इच्छा थी
कि वो मेरे बेटे के जन्म कुंडली जो है मैं उनका विश्लेषण करूं। उन्होंने खुद ने कहा कि तुम भी मेरे बेटे की तरह ही हो, तुम मेरे बेटे का इलाज करो, देखते हैं कि आखिर इनकी जिंदगी क्या कहती है। देखिए, सबसे पहले मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्न में ही केतु विराजमान है। लग्न में केतु थोड़ा सा संघर्षशील जीवन ज्यादा देता है, हर चीज में आदमी को मेहनत मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। अब यहां पर राहु, ये केतु भी नीच राशि के विराजमान है और राहु भी नीच राशि के विराजमान है, ये दोनों ही परिस्थिति खराब बनती है। फिर देखिए कि एक तरफ राहु और एक तरफ शनि विराजमान है, और ये घर किस चीज का है, ये घर है हमारे रोग का। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं तो रोग भाव के दोनों तरफ पापी ग्रह विराजमान है। अब देखिए, आप किसी ऐसे मकान में रहे जहां आसपास गुंडे रहते हो, आप एक फ्लैट में रहते हैं, इस फ्लैट में, उस फ्लैट में, या ऊपर नीचे के फ्लैट में गुंडे रहते हो, ऐसे समाज कलंकी लोग रहते हैं जो कि समाज के लिए कलंक है, ऐसा काम करते हैं जो समाज और कानून विरोधी है, तो आपका मन करेगा बस हम इस पड़ोस से निकल जाएं, बस बाहर चले जाएं, जहां अच्छा पड़ोस हो वहां जाकर रहें। भले आप पड़ोसी से नहीं मिलते हो लेकिन फिर भी एक मन में एक संतोष रहता है कि हाँ, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। अब रोग भाव, छठा घर और आठवा घर जो है वो पेट, गुप्तांग से संबंधित रोग, किडनी, लीवर, इन सब चीजों का है। सप्तम स्थान भी पेट और गुप्तांग का है, ये किडनी और लीवर के घर हैं। अब ऐसी अवस्था में शुक्र ही है जो किडनी की संबंधित तकलीफें देता है, ये शुक्र रोग भाव में विराजमान है। एक तरफ राहु, एक तरफ शनि। राहु कोई प्लैनेट नहीं है, राहु शनि का छाया ग्रह है। उसे ग्रह इसलिए माना गया क्योंकि समुद्र मंथन में जब विष पीने का वक्त आया था तो राहु ने अमृत पान कर लिया था, इसलिए राहु और केतु को अमृत पान होने की वजह से उन्हें अमर कर दिया गया, तो आज हम इनको अभी तक याद रखते हैं। तो ये राहु और शनि, इसके बीच में आ गए शुक्र, ये किडनी का रोग दे दिया। जरूरी नहीं है कि ये किडनी का रोग ही दे, पर ये मंगल के घर का विराजमान है, जो ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो तकलीफ देने का काम मंगल करते हैं। मंगल अष्टम स्थान में विराजमान है, वो भी मृत्यु के भाव में, लेकिन उच्च राशि के हैं, और जहां विराजमान है उसके लॉर्ड भी उच्च राशि के शनि विराजमान है। डॉक्टर ने तो कह दिया जी कि पहली बात तो किडनी आपको मिल ही नहीं सकती, परिवार के लोगों की ही किडनी मिलनी चाहिए, वो आप लोगों के परिवार में किसी की मिल नहीं रही है। दो बेटियां हैं, माँ बाप उनके बेटियों की किडनी देना नहीं चाहते हैं, ना तो उन्होंने मैच करवाई ना ही वो देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों की फिर शादी नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, बाहर के लोगों की किडनी की बड़ी समस्या है, आप लोग सब जानते ही हैं। अब ये कह रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जितने पैसे लोग मांगते हैं उतने पैसे हमारे पास है नहीं, 15 लाख 20 लाख रुपए तक लोग मांगने लग गए, वो पैसा भी हमारे पास नहीं है। डॉक्टर कहते हैं अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो भी गई तो 8-10 साल जीवित रहेगा, पूरा प्रिकॉशन रखा तो 15-20 साल तक जीवित रह सकता है, किडनी नहीं मिली तो मृत्यु तो 6-8 महीने अत्यधिक हद है, 1 वर्ष और जीवित रह सकता है। अब ये कहते हैं जी हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं कि ये रोग भाव की समस्या निश्चित रूप से इस बच्चे को परेशान करेगी। फिर देखिए, चंद्रमा 12वें घर में विराजमान है, वो उच्च राशि के, तो 6ठे 8वें 12वें घर का जो कॉम्बिनेशन देखने के बाद ही आप आयु का निर्णय निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे अपनी जिंदगी में बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, कई ऐसे लोग भी देखे जिनके सर के अंदर 100 तक स्टिच लग चुके हैं, सर की 10-12 हड्डियां टूट चुकी है, चकनाचूर हो गया, डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऑपरेशन को कहां से शुरू करें और कहां ले जाकर खत्म करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जन्म कुंडली देखिएगा, अष्टम स्थान में शनि है, शनि उसका मालिक बनकर उच्च राशि का है, जाकर आके साइया मार सके ना कोई, मर नहीं सकता है। ऐसे बहुत सारे हमने उदाहरण देखे कि एक 6 महीने का बच्चा 4 दिन तक मलबे के नीचे दबा रहा, उसके बाद वो जिंदा निकल आया। कैसे, जब भगवान उसे बचाने वाला है तो मारने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा 12th हाउस में उच्च राशि के, 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र वापस 12th हाउस को देखते हैं, 6th हाउस रोग के मालिक अपने से तीसरे घर में चले गए पराक्रम स्थान में प्लस पॉइंट, फिर उच्च राशि के मंगल है, फिर जहां पर मंगल उच्च राशि के 8th हाउस आयु के लॉर्ड बनते हैं शनि, शनि स्वयं उच्च राशि के विराजमान है, तो मृत्यु तो आप बोली जाए कि अभी होगी, मृत्यु तो सारस्वत सत्य है कि हर किसी इंसान की आनी ही है, लेकिन इसकी मृत्यु अकाल मृत्यु या समय से पहले या मध्यम आयु की योग इस कुंडली में नहीं बनते हैं। ये तो आप माता जी, आपने जो बेटा माना है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं ये सब चीजें, मैं आपको ना खुश कर रहा हूं ना मैं दुखी कर रहा हूं, मुझे जो दिख रहा है मैं वो बोल रहा हूं। मृत्यु तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इस बच्चे की मृत्यु मध्यम आयु है, यानी अभी 1 साल में इसकी मृत्यु हो जाए, इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए मंगल जब 6ठे घर के लॉर्ड है और 7 के अंदर बृहस्पति उच्च राशि के विराजमान होकर
देखिए कितना सुंदर योग बन रहा है इस कुंडली में कि बृहस्पति उच्च राशि मलकर पांचवी दृष्टि से देखते हैं रोग के घर को, वृश्चिक राशि को, और अपनी सातवीं दृष्टि से देखते हैं छठे घर के मालिक को। तो इस इंसान की किडनी, लीवर, हार्ट सब फेल हो जाए तो भी ये जिंदा रहेगा व्यक्ति। इतना कॉन्फिडेंस से कहने का अर्थ क्या है, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके सामने विराजमान है। फिर तकलीफ क्यों दी भगवान ने, तकलीफ है तो जीवन का हिस्सा है। अगर आपका बेटा ये डॉक्टर होता, आप मुझे एक पत्र लिखती कि बेटा ये बताओ कि मेरा बेटा एक क्लिनिक खोलना चाहता है, उसका क्लिनिक कैसा चलेगा, तो आपके चलने क्लिनिक चलने का मतलब ही पेशेंट है। मतलब आपकी दुआएं मानने के लिए भगवान को सबसे पहले तो धरती पर पेशेंट बनाने पड़ेंगे, तभी आपके बच्चे का क्लिनिक चलेगा। ऐसे किसी मां ने 15 20 25 लाख रुपए लगाकर डॉक्टर बनाया होगा तो इसको पेशेंट बना दिया। अब किडनी इस बच्चे को जरूर मिल जाएगी, अब कैसे मिलती है वो परमात्मा जानता है, पर यह जिंदा रहेगा, किडनी इसको मिलेगी, ये सुखद जीवन भी व्यतीत करेगा। लेकिन जब तक शनि रोग भाव में नहीं आ जाते, नवंबर 2014 के बाद वृश्चिक राशि में आएंगे तब जाए, क्योंकि शनि जो है जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, तो जैसे यहां पर आएगा ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए मैंने आपको एक पारे का शिवलिंग भेजा है जिस पर आप सरसों के तेल का अभिषेक करते हुए आप और आपका बेटा दोनों सरसों के तेल का अभिषेक के साथ साथ ओम हौम जूम सह, ओम हौम जूम सह जो महामृत्युंजय का बीज मंत्र या ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला मंत्र जो है वो 1,25,000 बार संकल्प लेकर, एक मां अगर अपने बच्चे के लिए संकल्प लेकर कर्म करे तो दुनिया की कोई यमराज भी आए बाहर से चले जाएंगे, अंदर नहीं आ पाएंगे आपके बच्चे को लेने के लिए। इसका अर्थ यह है कि संकल्प लेकर अच्छे मन से परमात्मा में विश्वास रखते हुए भोलेनाथ शिव की आराधना करिए है, और शनि तो वैसे ही शिव भक्त है, और चंद्रमा देखिए शिव की जटाओं में समाहित है, भालचंद्र चंद्रमा, वो चंद्रमा भी उच्च राशि के विराजमान है। आपको चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए माता जी, और शिवलिंग पे तत्काल पूजन शुरू करिए, और एक साल बाद हम बात करेंगे, आप कहेंगे बेटा मेरी किडनी, मेरे बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट भी हो गई, अब वो पहले से ज्यादा सुखी है, और इसकी सारी खुशियां सारे सुख इसके ब्रह्मा जी आ जाए तो भी नहीं रोक सकते, इसकी सारी खुशियां पूरी होकर रहेगी। आगामी दीपावली महोत्सव पर परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के तत्वावधान में 13 अक्टूबर 2013 को नासिक और 27 अक्टूबर 2013 को मुंबई में संपन्न करवा रहे हैं लक्ष्मी शक्ति अनुष्ठान, जिसमें गुरुदेव के श्रीमुख से जाने रोग निवृत्ति, प्रसन्नता, सुख समृद्धि, शांति, बच्चों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी एवं लक्ष्मी प्राप्ति के स्वर्णिम सूत्र। यदि आप अपने जीवन में से दरिद्रता, दुख व परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो अवश्य भाग लें लक्ष्मी शक्ति अनुष्ठान में। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए संपर्क करें नासिक 9370590536 एवं 9372165949, मुंबई 02-2612-5060, 9324-27-2446 एवं 9322-377-660, जोधपुर 02915190000 एवं 2646625, टोल फ्री नंबर 1800-200-0101। क्यों शिकवे शिकायत करूं जिंदगी, मेरे हिस्से में दी तूने खुशियां नहीं, तूने देना भी चाहा मैं ले ना सकी, भूल मेरी थी दोष किस्मत को दी। जिंदगी पर कविताएं लिखना आसान है, किसी के दुख के क्षण में उसे सांत्वना देना और भी ज्यादा आसान, पर जिसके जीवन से सुख के क्षण पलक झपकते ही गायब हो जाते हों, वो तो यही समझेगा ना कि किस्मत के हाथों कामयाबी पाने वाले लोग उसके दुख का, उसकी असफलता का मजाक बना रहे हैं। ऐसे में जिंदगी को और भी ज्यादा करीब से समझने की जरूरत महसूस होती है। आखिर क्यों एक पल में फूल खिले और दूसरे पल में कांटे, शायद यही जिंदगी। मनुष्य के जन्म के साथ उसके भाग्य की रचना हो जाती है, जिसमें उसके जीवन में घटित होने वाली छोटी बड़ी
सभी घटनाओं को ईश्वर ने तय कर रखा होता है। आदिकाल से ऋषि मुनियों ने अनुसंधान कर भविष्य के गर्भ में देखने की शक्ति प्राप्त की और इस प्रकार विश्व को मिला ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान जो 9 ग्रह 27 नक्षत्र 12 राशि और कुंडली के 12 भावों पर आधारित होता है, इस आधार पर यह हमें भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से कुंडली बनवाकर और कुंडली का परीक्षण करवाकर कितने ही लोगों ने अपने दामन को खुशियों से भर लिया। गुरुदेव कहते हैं कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता, पर भाग्य को संवारा और सुधारा जा सकता है। दुख कटे आए जीवन में खुशहाली, जब कृपा करे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली। जन्मकुंडली आपके भविष्य का आईना है, ये बतलाती है कब और किस दिशा में होगा आपका भाग्योदय, आपका लकी नंबर, क्या आप मांगलिक हैं, आपका लकी कलर, आपका वाहन सुख, आपके लिए भाग्यशाली रत्न, आपके भाग्योदय कारक इष्ट देव, आपके जीवन की घटनाओं और दुर्घटनाओं की जानकारी, आपके विवाह योग या फिर कैसा होगा आपका दाम्पत्य जीवन, आपके स्वयं के मकान का सपना कब होगा साकार, यदि आप विद्यार्थी हैं तो कौन सा विषय चुने, कौन सी राशि आपकी मित्र राशि है, किस राशि से आपको हानि हो सकती है, आपको कैसा रोजगार या व्यापार अधिक फलेगा, क्या आपकी कुंडली में कोई दोष है या फिर आपको राजयोग है। गुरुदेव श्री सुरेश श्रीमाली जी के मार्गदर्शन में बनी इस जन्म कुंडली को जल्द ही मंगवाइए और अपने भविष्य को संवारिए, ठीक वैसे ही जैसे बहुत से लोगों ने अपना जीवन संवारा। जन्म कुंडली विश्लेषण। ये जो जन्म कुंडली आप इस वक्त देख रहे हैं, ये 28 वर्ष की एक लड़की की जन्म कुंडली है जिसे इनके माता पिता ने हमें बड़ौदा से भेजा है, जो गुजरात में एक शहर है। अब देखिए कि पिछले वर्ष जब नवरात्रि में डांडिया उत्सव, गुजरात का आप लोगों सबको ही पता है विश्व प्रसिद्ध एक नृत्य है जिसे डांडिया कहा जाता है, जो नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए खेला जाता है। आज ये हर राज्य में हर शहर में एक प्रकार से मनोरंजन का बहुत बड़ा जो है साधन है। अब इस डांडिया के फंक्शन में 9 दिन में इनकी मुलाकात एक लड़के से हो गई, जो लड़का इस वक्त इन माता पिता को पता चल रहा है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो सिर्फ लड़कियों के साथ खेलना जानता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, रुपए पैसे लोगों से उधार मांग के कभी किसी की कार लेकर आता है, कभी अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है, ऐसे लड़कियों को फंसाने का प्रयास करता है। और उस फंसाने के जाल में ये लड़की भी पिछले साल डांडिया के महोत्सव में आ गई थी। अब डांडिया खेलते खेलते इनकी मित्रता उनसे हो गई और जिस माँ बाप ने पाल पोस कर 27 साल तक इस बच्ची को बड़ा किया, एक ही पल में वो भूल गई कि मेरे माता पिता भाई बहन परिवार के कुछ लोग हैं, मेरे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचे, ये नहीं सोचा, क्योंकि माँ बाप ने पिछले 5 साल से बड़े प्रयास किए इस बच्ची की शादी के लिए। ये भी चाहती थी कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी उनकी सखियों की शादी हो चुकी थी और परिवार में भी कई और बहनों और भाइयों की शादी हो गई थी। तो एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक डिप्रेशन, एक फ्रस्ट्रेशन, एक हीन भावना इसके मन में पनपती चली गई। माँ बाप ने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार इसे लगा कि मैं जिस लड़के से प्रेम करती हूं, और कुछ इसे टेलीविजन के कुछ प्रोग्राम्स भी है, कुछ ऐसी पिक्चरें हैं जो ये बताती हैं कि अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए, सिर्फ लव मैरिज करनी चाहिए। ऐसी अवस्था में इसे ऐसा लगा, फैंटेसाइज हो गई थोड़ी सी, और इसने उस लड़के के साथ भाग कर शादी कर ली। लड़के ने कहा कि जब तुम भाग कर शादी करेंगे तो अपने घर का सारा रुपया पैसा गहने जो भी है वो सब लेकर आ जाना। मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, कोई बहुत ज्यादा धनवान नहीं है। बच्ची ने वही कर्म किए, क्योंकि नवरात्रि का उत्सव था, सब लोग अपने अपने लॉकर से गहने निकाल कर लेकर आते हैं और सजावट, वैसे भी सजने का बड़ा शौक रहता है गुजराती लोगों को, और खेल कूद, मनोरंजन, घूमना फिरना, रात रात भर घूमना डांडिया के उत्सव में, ये सब कुछ चीजों में लड़की के काफी अलग प्रकार के संबंध उस लड़के से हो गए। और जैसे ही ये डांडिया उत्सव नवरात्रि खत्म हुई, उसने भागकर शादी कर ली और माँ बाप को गंगाल कर दिया। इज्जत से भी गए, धन दौलत से भी गए, माँ बाप को इस कदर उसे लाकर छोड़ दिया कि आज वो ना घर के हैं ना घाट के हैं। और बच्ची
उस लड़के के साथ इस वक्त 6-8 महीने से रह रही है। जब वो बच्ची ने वहां जाकर देखा वहां का माहौल, तो कुछ टाइम तक तो प्यार में अंधे होते हैं तो पता नहीं चलता है कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। धीरे धीरे गहने बेचते चले गए, रुपया पैसा बेच जो है उसे उड़ाते गए, खाना खर्चा सब कुछ खत्म हो गया। आज 3 महीने हो चुके हैं, उस लड़के ने इस लड़की को भी घर से बाहर कर दिया और ये 2,000 रुपए के किराए के एक मकान में रह रही जो पेइंग गेस्ट होता है। डिप्रेशन में उसने अपनी माँ को फोन किया कि माँ मुझसे गलती हो गई, पिता कैसे हैं, वो मुझ पर 100% नाराज होंगे, अब मैं क्या करूं, मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई साधन या कोई और मेरे पास चारा नहीं बचा है। तो आत्महत्या किसी समस्या का समाधान है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, मां ने यह पत्र हमें भेजा है कि बेटी गर्भवती है, वो कहती है मैं अबॉर्शन करवा लूंगी, अभी 1.5 महीने का बच्चा है, अभी अबॉर्शन करवाना नहीं करवाना मैं तो मना ही करूंगा, फिर ये आपका व्यक्तिगत मामला, ऐसे कई प्रकार के लोग मुझसे प्रश्न करते हैं जिसका जवाब मैं ना तो देना चाहता हूं ना इस टेलीविजन के माध्यम, क्योंकि कई प्रकार की लोगों के मन में भ्रांतियां पैदा हो जाती है। मैं ये कहूं ये बच्चा पाल पोस के बड़ा करो तो आप कहेंगे कि साहब दूसरी शादी कौन करेगा, बच्चा कौन अडॉप्ट एक्सेप्ट करेगा, ये सब चीजें हैं। और मैं ये कहता हूं इसका अबॉर्शन कर लो जो 100% कानूनी जुर्म भी है और समाज विरोधी भी है, तो मैं तो ऐसे किसी भी बात का पक्ष आपसे नहीं लूंगा। बढ़ते हैं आगे, अब वो बच्ची डिप्रेशन में है, पिता कहते हैं मैं अपने घर पे आने दूंगा नहीं इस बच्ची को, क्योंकि मैं समाज से निकाला जा चुका हूं, निकाला जाऊंगा और परिवार में मेरे पास रुपया पैसा है नहीं, बच्ची के अपने कर्म वो जाने उसके काम जाने। मां एक ऐसा कैरेक्टर है जो ना अपने पति को छोड़ सकती है ना अपने बच्चे को छोड़ सकती है। ऐसी अवस्था में वो पिसती रहती है, जैसे एक गट्टी चलती है उस प्रकार से वो पिसती चली जाती है, कभी इधर कभी वो उधर। ऐसी अवस्था में महिलाएं वैसे भी इमोशनल ज्यादा होती हैं। महिलाओं का समझ पाना पुरुष के बस का रोग नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि पुरुष ये चाहते हैं कि हमारी पत्नी सीता जैसी हो, लेकिन हम खुद राम नहीं बनेंगे। ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। वही लड़के ने किया कि इतनी अच्छी लड़की उससे शादी की, इसने उससे शादी करने के लिए अपने मां बाप तक को छोड़ दिया, उनको धोखा दिया, उनके सारे जेवरात और पैसे लेकर उसके पास चली गई और उसको ये दया भी नहीं आई कि मैं 7 फेरों का मैंने जो संबंध है वचन निभाया है जो निभाना है मुझे, मेरी एक पत्नी है, मेरा बच्चा होने वाला है, और किस प्रकार की मानसिकता हो सकती है एक लड़के की जिसने उसको छोड़ भी दिया दर दर की ठोकरें खाने के लिए, ये जाने उसका काम जाने। बताइए किस प्रकार का समाज, किस तरीके और किस तरफ जा रहा है। ऐसे लड़के भी हैं, ऐसे लड़कों के मां बाप ने उन्हें क्या संस्कार दिए हैं जो है आपको कोई अधिकार नहीं किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देने का। यही उसके साथ हुआ है। तो हम ये जन्म कुंडली में देखते हैं आखिर अब आगे होने वाला क्या है। सबसे पहले देखिए तुला लग्न की कुंडली, लग्न में शनि। मैं बहुत बार ये शब्द कह चुका हूं, या तो अर्ली मैरिज होती है या फिर लेट मैरिज होती है। 27-28 साल की उम्र में शादी भी हुई लेकिन कोई माता पिता परिवार के जन नहीं, पता नहीं किस पंडित जी से कैसी शादी करवाई होगी, और उसके बाद ये शादी चली भी नहीं, ये लगन के शनि का काम है। फिर शुक्र है नीच राशि का, शुक्र 12th हाउस में विराजमान है, नीच राशि 12th हाउस नाश का है, पाकर खो देने का है, सब कुछ लुटा देने बर्बाद करने का घर है 12th हाउस, वहां पर शुक्र नीच राशि के। शुक्र कौन है, मैरिटल लाइफ का अधिपति, तो मैरिज तो लेट कराई इसने और मैरिटल लाइफ में धोखा करवाया शुक्र ने, जिसने उसके साथ संबंध भी रहे और साथ में उतने टाइम तो उसके घर पे भी रही, आज वो प्रेग्नेंट है और कहीं की नहीं है, ना घर की रही ना गार्ड की रही। ऐसे में आदमी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचे तो और क्या सोचेगा, ये परिस्थितियां पर बनती है। फिर कुटुंब स्थान में मंगल और केतु अंगारक दोष, जिस शादी करके जिस घर में गई वो घर भी नहीं था, वो सिर्फ 2 कमरे का किराए का मकान था जो उस लड़के ने सिर्फ 11 महीने के लिए किराए पर लिया था, और ये कहकर कि मैं शादी करके ले आऊंगा मकान मालिक को कहा था, और उसके माता पिता ने उसे कई वर्षों पहले ही छोड़ दिया था, जो कई बार ये जेल जा चुका है चोरी चकारी करने इन सब चीजों के, तो जिस कुटुंब में गई वो कुटुंब में भी ये दोष बना हुआ है। फिर देखिए चंद्रमा 4th घर के लॉर्ड है और चंद्रमा माफ करिएगा 4th घर के कारक ग्रह माने जाते हैं। कर्म स्थान के मालिक चंद्रमा शनि के घर में विराजमान है और चंद्रमा जब शनि के घर के होंगे तो आदमी टेंशन डिप्रेशन नेगेटिव थिंकिंग हमेशा सोच को उल्टा कर देता है। अब देखिए कि शुक्र को मैरिटल लाइफ बर्बाद करनी थी, शनि को शादी लेट करवाना था, और इन दोनों की चाल की वजह से चंद्रमा ने उसकी बुद्धि को खराब किया, मन और मस्तिष्क को खराब करके रख दिया। फिर कॉमन सेंस जो होता है, कॉमन सेंस क्या कहता है,
हमारे माता पिता है जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, हम अपनी खुशी के लिए हमें जीवन जीना है उसका हमारे पास अधिकार है, हर इंसान को अधिकार है वो अपनी जिंदगी अपने अनुसार जिए। पर क्या आपकी खुशी की वजह से अगर 10 लोग बर्बाद हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो ऐसी खुशी क्या आपको वाकई में खुश रख पाएगी? ये राहु नीच राशि के। फिर देखिए कितना विचित्र महादोष बनता है कि ये अष्टम स्थान कॉमन सेंस का है, बुद्धि का है, वहां तो राहु विराजमान जो खुराफाती प्लेनेट है, फिर अष्टम भाव के लॉर्ड बनते शुक्र जो नाश भाव में, वो नीच राशि, उस पर राहु की वापस पांचवी दृष्टि, कैसे ठीक करेंगे? ये तो होना ही था। अब माता पिता, आप तो गुजरात में रहते हैं जो इतना धार्मिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रदेश है, तो वहां पर तो मुझे लगता है हर गली में कोई ना कोई ज्योतिषी जरूर होगा। हिंदुस्तान में जितने ज्योतिषी गुजरात और राजस्थान में, और राजस्थान को पीछे छोड़ देते गुजरात के ज्योतिषी, तो इसका अर्थ क्या है कि इतने ज्योतिषी है, हर गली में आपको एक आधा ज्योतिषी तो जरूर मिल जाएंगे। उसके बावजूद आपने जन्म कुंडली नहीं दिखाई किसी को, क्या कारण है? क्यों? कि आपके मानसिकता में यह रहा होगा कि जन्मपति में से कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की चीजें हैं, ये सब फालतू की चीजें आज आपको परेशान कर रही है। समय रहते अगर जन्म कुंडली विश्लेषण कर लेते, समय रहते इसके उपचार कर लेते, समय रहते इसकी शादी हो जाती, सब कुछ ठीक हो जाता। अब आप कहते हैं जी जो होना है वो तो होकर रहेगा, मैं इस बात में विश्वास जरूर रखता हूं, लेकिन मैं ऐसी ताकत भी अपने पास रखता हूं कि जो कुछ होना लिखा है हम उससे कुछ न कुछ परिवर्तित तो जरूर कर सकते हैं, सुधारा और संवारा जा सकता है हमारे भविष्य को। ऐसा नहीं जो कुछ होना है वो तो होकर ही रहेगा, तो फिर हमें भगवान ने धरती पर भेजा है तो एक भेजा साथ में देकर क्यों भेजा है? फिर पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं, अगर करोड़पति लिखा है बनना तो क्यों इतनी मेहनत करें? बताइए क्यों मंत्र जाप करें, पूजा पाठ करें, दान दक्षिणा दें, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अब इस बच्ची को सबसे पहला काम है कि आप इसे अपने पति, क्योंकि आखिरकार जो आपके पति हैं वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मान जाएंगे, उन्हें सौगंध देके जिस प्रकार से मनवा के उस बच्ची को अपने घर लेकर आ जाए। दूसरी शादी का योग नवंबर 2014 से पहले नहीं बनेगा। उस बच्चे को जन्म देने का कर्म ये शनि इस पंचम स्थान के लॉर्ड बनते हैं, वो लग्न में विराजमान है, मुझे लगता है वो बच्ची इस बच्चे को जन्म जरूर देगी। और ये मत सोचिए कि बच्चा जन्म ले लिया तो अब कोई उससे शादी नहीं करेगा, ऐसे हजारों अच्छे लोग भी दुनिया में हैं जो खुद की कभी डाइवोर्स नहीं हुआ लेकिन विधवा लड़कियों से या फिर ऐसी महिलाओं से शादी करते हैं जो डाइवोर्स हो चुकी, जिनके दो बच्चे भी, उनसे भी शादी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सोच पॉजिटिव रखनी पड़ेगी और नवंबर 2014 तक उसे रखें, साथ में जो मैंने आपको प्रयोग बताया जिससे ये जो आपका डाइवोर्स का मसला है ये कोर्ट कचहरी से जाकर आप इसका डाइवोर्स जरूर ले लें, क्योंकि इन्होंने कोर्ट मैरिज किया है तो आपको डाइवोर्स भी कोर्ट से लेना ही पड़ेगा, तब जाकर आप दूसरी शादी कर पाएंगे, नहीं तो वो कानूनन आपके लिए जुर्म होगा। दर्शकों ऐसे हजारों लाखों उदाहरण है, ये कोई अजूबा नहीं हुआ है, हर शहर में हर गांव में ऐसे उदाहरण हमें रोज देखने को मिलते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को खुली छूट दे देते हैं, उन्हें संपत्ति देने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, संस्कार देना भूल जाते हैं, फिर कहते हैं आजकल के बच्चे कहां मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी खुद की गलती है जिसे हम बच्चों पर थोप देते हैं कि हमारे बच्चे इस वजह से शायद बिगड़े होंगे, हमारी खुद की भी गलतियां हैं। समय रहते हम चाहते हैं कि आप समय रहते जन्मपत्री बनवाएं ताकि देख सकें कौन सा ग्रह खराब है, कैसे कैसे तकलीफ दे सकता है वो। तो अगली बार ऐसे किसी जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं जरूर करूंगा, आप लोग समय रहते अपनी पूरी जन्म कुंडली बनवाएं ताकि देखा जा सके कि क्या तकलीफें हैं। तो अगली बार तक के लिए मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देने के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। नव दुर्गा शक्ति साधना 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2013। हमारा जीवन हजारों बाधाओं से घिरा हुआ है, न चाहते हुए भी हमारे जीवन में अनेक शत्रु हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, कठिनाइयां हैं व समस्याएं हैं। हम भूख से लड़ रहे हैं, गरीबी से लड़ रहे हैं, शारीरिक व मानसिक कष्टों से जूझ रहे हैं, साथ ही व्यापार में आई न्यूनता व पारिवारिक तनाव से घिरे हुए हैं। फिर आखिर कौन सा रास्ता है जिसके माध्यम से हम निर्भीक व सुखी रह सके? ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प नजर आता है और वो है माँ का द्वार। तो आइए नवरात्रि के महापावन पर्व पर संपन्न करें नव दुर्गा शक्ति साधना और माँ को प्रसन्न कर पाएं उनका आशीर्वाद। नव दुर्गा शक्ति साधना पैकेट में आप पाएंगे मंत्र सिद्ध नव दुर्गा शक्ति यंत्र, अभिमंत्रित नव दुर्गा कवच एवं नव दुर्गा माला। संपर्क करें परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र, हाईकोर्ट कॉलोनी जोधपुर राजस्थान, फोन नंबर 5190002432625, 9829026625, टोल फ्री नंबर 1800 2
3000101 दिल्ली 6542-0685 एवं 6454-4625 मुंबई 9324-272446 एवं 9322-377660 नागपुर 9371-07-3487 एवं 9371-16-1492 और नासिक 9370-590536 कोलकाता 9831-602512 जबलपुर 9907-943952